ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां। तो गाइस ये जगह देख के आपको किस जगह की याद आती है? तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू प्रीतोस व्लॉग। तो आज का ये व्लॉग होने वाला है केदारनाथ पर। तो आप लोगों में से जो भी केदारनाथ जाना चाहता है या जिसकी भी विश है, ख्वाहिश है केदारनाथ जाने की, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से इंजॉय करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ जाने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेन पकड़ना होगा। तो मेरी ट्रेन है बांद्रा से हरिद्वार के लिए। तो चलिए ट्रेन का सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ पे साथ ही में ट्रेन में पिज़्ज़ा खाते हुए, बहुत सारा एंजॉय करते हुए, व्यूज़ देखते हुए ये जर्नी कंप्लीट होती है और हम पहुँच जाते हैं हरिद्वार। तो अब हम पहुँच गए हैं हरिद्वार और हमें देखना है कि हम यहाँ से आगे कहाँ जाने वाले हैं और कैसे जाने वाले हैं। एक्चुअली हमें भी नहीं पता, हमने भी कुछ व्लॉग देख कर ही यहाँ पर आने का प्लान किया था। और फाइनली अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं हमें कैसे जाना है और कहाँ जाना है। तो इसके लिए पहले बाहर जाना होगा, चलिए फटाफट बाहर चलते हैं। तो बाहर स्टेशन से आने के बाद में हमें देख रहा है काफ़ी ज़्यादा पार्किंग एरिया है, मतलब काफ़ी स्पेशियस है और स्टेशन तो बिल्कुल एकदम मंदिर ही जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जगह मंदिर के जैसी ही है। तो आगे जाने से पहले हमने सोचा कि पहले ब्रेकफास्ट कर ले उसके बाद जाते हैं। तो हम पहुँच गए हैं उसके बाद में ट्रैवल एजेंसी के पास और यहाँ से हमने एक प्राइवेट कार की है जो कि हमें 5000 कॉस्ट पड़ी है। एक्चुअली हम तीन लोग हैं साथ में और हमें ये पड़ा है 5000 का। ये हमारी प्राइवेट कार है तो हम इसे जहाँ चाहे रोक सकते हैं, जहाँ चाहे जब जा सकते हैं। और बस साथ में बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे ऐसे विजिटिंग प्लेसेस हैं जो कि हमने देखे और काफ़ी खूबसूरत है। बीच में आते हुए हमें राम झूला भी पड़ता है जो कि ऋषिकेश का बहुत ही फेमस प्लेस है। तो कुछ चार घंटे के बाद हम हाईवे पर रुकते हैं क्योंकि हमें लग गई है भूख। तो अब चलते हैं और कुछ पेट पूजा करते हैं। सब कुछ अच्छा था गाइस, ट्रैवलिंग हो रही है, अभी तक हम गौरीकुंड पहुँचे नहीं हैं। बट क्या है कि हमने चार बार उल्टी कर ली है तो हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। शकल तो ऐसे डैमेज हो गई है कि पता नहीं क्या करके आए हम। तो हो रही है थोड़ी हालत ख़राब है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, कुछ खाया भी नहीं अभी क्योंकि उल्टी हो रही है, इसलिए खाने को मन ही नहीं कर रहा। तो गौरीकुंड पहुँचते हैं उसके बाद में स्टे करते हैं, फिर देखते हैं क्या खाना है और आगे कैसे जाना है। तो यहाँ से फिर से सफ़र का शुरू करते हैं और हम जाते हैं गौरीकुंड। अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं और साथ में इतनी सारी अच्छी जगह हमें मिल जाती है तो हम वहाँ थोड़ा सा टाइम रुककर थोड़े फोटोज़ और वीडियोस ले लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ का पानी कितना अच्छा और कितना साफ़ था एंड ये जो व्यू है यार कमाल का व्यू है, मतलब। और साथ ही बैड न्यूज़ भी है जो कि इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर, इसी की वजह से हमें 8 घंटे की बजाय 10 घंटे लग गए और फाइनली हम गौरीकुंड पहुँच गए हैं। सो गाइस हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं और ये है गौरीकुंड का व्यू। यहाँ पर हम अभी डिनर के लिए आए हैं बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई ट्रैवलिंग की वजह से, हम अच्छे से खा भी नहीं पाए। तो अब हम थोड़ा खाते पीते हैं और फिर हम दिखाते हैं आपको हमारा रहने का प्लेस कि हमने यहाँ पर क्या लिया है। तो हमें, हम तीन जन साथ में थे, इसके लिए हमें एक रूम लेना था जो कि हमें 2000 पड़ा है, मतलब हम तीनों का ही 2000 है, 2000 पर पर्सन ऐसा नहीं है। तो ये है रूम और जो वॉशरूम है काफ़ी स्पेशियस है, अच्छा है। और यहाँ पर जो ठंडी है वो नॉर्मल जगहों से ज़्यादा है, आई मीन मुंबई से और गुजरात से यहाँ पे ठंड ज़्यादा है। तो अभी हो गए हैं सुबह और ये सुबह के 6 बजे का टाइम है जहाँ पे हम केदारनाथ के लिए निकलते हैं। तो इससे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, हमें आइडिया नहीं था तो हमने यहाँ पर आकर ही रजिस्ट्रेशन कराया। यहाँ पर ठंड ज़्यादा होने की वजह से हमें टोपी, ग्लव्स और सारी चीज़ें अभी से ही पहन ली है। सुबह के 6 बज रहे लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के साथ लाइन से हम चलते जाते हैं चलते जाते हैं। बाद में हमें गाड़ी मिलती है और वो हमें कुछ 2 किलोमीटर तक छोड़ती है और जिसके कॉस्ट होते हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन के। सो हम यहाँ पे निकले हैं सुबह सुबह, मतलब हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो अब हम पहली बार ट्राई करते हैं पहाड़ों वाली मैगी और चाय, मतलब यहाँ पर तो हमारा पहली बार है। मैगी तो हमने बहुत खाई है लेकिन ये पहली बार है। और ये गर्म गर्म चाय, इतनी ठंड में चाय का मज़ा ही अलग है। और ये स्पाइसी मैगी, आय हाय,
बट अगर बात करें कॉस्ट की, तो चाय की कॉस्ट है 20 रुपीज़ एंड मैगी कॉस्ट है अराउंड 60 to 80 रुपीज़। इट डिपेंड्स ऑन मैगी, मसाला मैगी या सिंपल मैगी। एंड उसके बाद में हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, मतलब ऊपर तक जाने के लिए। तो यहाँ हमें ऊपर 16 किलोमीटर तक चढ़ना है, मतलब 16 किलोमीटर तक पहाड़ों पर चढ़ते हुए जाना है, मतलब नॉर्मल वॉक नहीं है, हमें चढ़ना है। और इसके लिए यहाँ पर बास्केट्स अवेलेबल है और डोली अवेलेबल है, साथ ही खच्चर भी अवेलेबल है। बट हमने सोचा कि हम तो वॉक करके जाएंगे, तो चलिए वॉक करके चलते हैं। अभी तो हम 1 किलोमीटर भी नहीं चले और हम थक गए, इतनी थक गए कि हमें गर्मी होने लगी। तो अभी तक हम 2.5 किलोमीटर चले हैं और इसके बाद हम इतना ज़्यादा थक गए कि अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम नहीं जा सकते वॉक करके, तो हमने घोड़ा लिया, आई मीन खच्चर लिया। और अब हम आगे इसके साथ जा रहे हैं और इसका कॉस्ट है पर पर्सन 3000 रुपीज़ है, और ये सिर्फ वहाँ ऊपर जाने तक का है, रिटर्न आने का नहीं है, मतलब वन साइड का है। तो पहली बार तो घोड़े पर इतना ज़्यादा टाइम तक बैठना है, तो चलो अब घोड़े से चलते हैं। तो ऐसे ही घोड़े पे बैठते बैठते हमें 2 से 3 घंटे होने को आ गए हैं और अभी तक हमें पता नहीं हम कहाँ पहुँचे हैं, बस हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है जगह, मतलब सिर्फ राउंड राउंड है, हम बस पहाड़ों पे घूम रहे हैं और अभी हमें भी नहीं आइडिया है कि हम कब तक पहुँचेंगे, लेकिन 16 किलोमीटर हमें चढ़ना है। तो चलो थोड़ा सा खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर से चलते हैं। सुबह से शाम हो गई पर अभी तक हम केदारनाथ नहीं पहुंचे, अभी तक हम घोड़े के साथ आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर से आएंगे। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो हम घोड़े से तो ऊपर आ गए हैं, मतलब अब इसके आगे घोड़ा भी नहीं जाएगा, यहाँ पे घोड़े का घोड़ा स्टॉप है मतलब। और इस तो फाइनली घोड़े से तो हम पहुँच गए हैं, अब घोड़े से उतर के फिर पैदल जाना है 1.5 किलोमीटर। तो अभी तो हमें 1.5 किलोमीटर चलना है, लेकिन मैं 5 मिनट चल के ही थक गई हूँ, लेकिन व्यू इतना प्यारा लग रहा है कि चलने का भी मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है यहीं पर रुक जाऊँ, और ठंडी भी काफ़ी है। तो चलो चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, थोड़ी एनर्जी आएगी फिर चलते हैं। तो हमें कुछ कुछ ढूंढ के मिला मोमोज ही, तो मोमोज खा रहे हैं। और ये भी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 100+ है, आई डोंट नो कितना एग्जैक्टली, बट कॉस्टली है चीज़ें यहाँ पर। तो फाइनली हम ऊपर पहुँच गए हैं, यहाँ रहने के लिए बहुत सारे टेंट है, कैंप है और रूम्स भी अवेलेबल है, लेकिन रूम्स जो है वो 8 to 9 persons के लिए मोस्टली होता है, अदरवाइज़ अवेलेबल नहीं होता, 2 से 3 लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और तो फिर हमें कैंप से या टेंट से ही काम चलाना होता है, जो कि कॉस्ट होती है उनकी 300 to 700 के अराउंड। सो अभी ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं और हम यहाँ पे 7 बजे तक पहुँचे हैं, आई मीन हम वहाँ से सुबह में 6 बजे निकले थे और पहुँचते पहुँचते 7 बज गए, और अभी भी हम लाइन में हैं, मतलब दर्शन करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, 7 से ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में हमने दर्शन भी कर लिए, और फाइनली ये व्यू है केदारनाथ का। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ठंडी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, मतलब हम अपना हाथ भी निकाल नहीं पाए, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो जो भी आइएगा यहाँ पे प्लीज़ पूरी सेफ्टी के साथ आइए, मतलब हैंड ग्लव्स और जैकेट्स वगैरह सारी चीज़ों के साथ आइएगा। सो
दोस्तों ये व्यू देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा पब्लिक होगी और हम ये अक्टूबर में ही जाकर आए हैं। और इन पत्थरों को देखकर मुझे कुछ याद आया, एक मूवी में देखा था जो इन पत्थरों से लोग मन्नतें मांगते हैं और उसे एक के ऊपर एक लगाते हैं, तो बट मैंने तो कोई मन्नत नहीं मांगी, बट आप आइएगा तो ज़रूर मांगिएगा। और सो एवरीवन, केदारनाथ की यात्रा यहीं पे ख़त्म होती है और हमें फ़िलहाल इस छोटे से टेंट में, बहुत ही कंजेस्टेड है लेकिन तो अच्छा है। और इसी के साथ मेरे बहुत सारे ड्रीम पूरे हो गए, लाइक टेंट में रहना, बर्फ वाली जगह पे घूमना, ऐसे मोटे कपड़े पहनना और क्या, केदारनाथ आना और क्या, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो क्या बोलते हैं, मैगी खाना ऐसे पहाड़ पे आके मैगी खाना, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एक ही साथ कंप्लीट हो गई, तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी चीज़ें बाकी है, लाइक रील्स बनाना है तो ये चीज़ बाकी रह गई, बट हम सुबह बनाएंगे क्योंकि इस टाइम तो क्लियरिटी अच्छी नहीं आएगी, तो उसे सुबह बनाएंगे। और तब तक के लिए वीडियो में बहुत मेहनत किया है मैंने, क्योंकि इतनी ठंड में हाथ निकाल के अगर कोई मोबाइल पकड़ के बना रहे वीडियो तो यार उसे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, करो कि नहीं करो, बिल्कुल करो यार, हाँ तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो किस पे होगा वो अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, कल बनाएंगे रील्स, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अब हम जा रहे हैं वापस से दर्शन के लिए, क्योंकि इस टाइम के जो व्यू होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। और साथ ही हमने ये चंदन लगाया और इस चंदन की सबसे स्पेशल बात मुझे ये लगी, पहले सुनिए। तो सुना आप लोगों ने, भोलेनाथ ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया है, मतलब चंदन के वो लिखते ही बेल की आवाज़ आना, लाइक ये मेरे दिल को छू गया यार सच्ची, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। तो यहाँ अगर हम रील्स तो नहीं बना पाए बिकॉज नेट का इशू है, नेटवर्क यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और मेरा तो जियो था बट पता नहीं, ऑलमोस्ट सारे लोगों में यही प्रॉब्लम है, नेट यहाँ पर नहीं चलता क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं तो नेटवर्क का रेंज ही नहीं आता है। और ये है हमारा रात वाला टेंट जो मैंने आपको दिखाया था, जो नहीं दिखाया था एक्चुअली, ये वाला टेंट है हमारा। दर्शन तो हमने कर लिए, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी हम शॉर्टकट मार के जा रहे हैं नीचे। आप लोग को ये शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए, हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हमें लेट हो रहा है, बहुत बड़ी है। और बहुत डिफ़िकल्ट है ये रास्ता भी, बट ठीक है, आप खतरों के खिलाड़ी हो तो आप आ सकते हो। शॉर्टकट से इतनी डेंजर खाई भी दिखती है। जगह तो काफ़ी अच्छी है, हमें मज़ा भी बहुत आया, बहुत इंजॉय किया हमने। और ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर टोटल 6 दिन लग गए हैं, आने में जाने में सारी चीज़ों में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर अगर आप इस तरह से उतरने वाले हैं या पैदल आने वाले हैं तो आपके पास डंडा ज़रूर होना चाहिए, जो कि आपकी बहुत मदद करता है। और साथ ही यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कॉस्टली है तो खर्चा भी अच्छा खासा हो जाता है। और बस इसी के साथ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए जो केदारनाथ जाना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।